कुछ सलाह जितनी मर्जी दे दो लोगों को, सुधरना इन्होंने फिर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज एक और नई वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ, और ये कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं, एक्सपेरिमेंटल वीडियो है। आज हम करेंगे मीम रिव्यू, और कोई ऐसे वैसे नहीं, मेडिकल मीम्स और रील्स का रिव्यू। तो बिना देरी करते हुए लेट्स गेट टू इट। हमारी सबसे ज्यादा तब फटती है जब एचओडी क्लास या वाइवा लेने आ जाता है। हमें कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट सबसे फालतू लगता है, और उसके टीचर्स भी। हम मेडिकल स्टूडेंट्स की जितनी इज्जत होती है वो सिर्फ मेडिकल कॉलेज के बाहर होती है, अंदर नहीं। हमारे सारे पुराने और नॉन मेडिकल दोस्त हमें सिर्फ इन चीजों के लिए फोन करते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट बना दे, गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट होगी, अबॉर्शन पिल्स बता दे, और वाइगा कितने एमजी लूं, पीरियड चल रहा है सेक्स कर लूं, बस इन्हीं फालतू काम के लिए हमें कॉल किया जाता है। फोरेंसिक लैब में घुसने के बाद हमें सिर्फ डॉक्टर सालूखे याद आते हैं। हमारे यहाँ एचओडी से भी ज्यादा ईगो लैब असिस्टेंट के अंदर होता है, और हर बच्चा उसके पिछवाड़े पे लात मारना चाहता है। हमारे हॉस्टल में बाकी स्ट्रीम्स के हॉस्टल की तरह नशे बिल्कुल नहीं होते। अच्छे से रोल कर, तू पैक कैसे बना रहा है? 90 ml बना, 30 ml में क्या होगा मेरा? यार इस बंदे ने जो जो बात बोली ना, बिल्कुल सच है। पता लग रहा है बंदा मेडिकल कॉलेज में खज्जल हुआ है। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए। देखो आधी चीजें तो बिल्कुल सच्चाई मैं भी मानता हूँ, बाकी हम कौन होते हैं बोलने वाले भाई, सिंगल लंडे। हंसदे चेहरे दा मतलब ये नहीं हुंदा कि उन्हां नूं कोई तकलीफ नहीं हुंदी। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਏਡੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀਗੇ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠਾ, ਓਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਆ। ਬਸ ਵੈਸੇ ਬਾਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾੜੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕੇ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਤਾ ਨਾ, ਨਾੜੀ ਗਿਆਨ ਸੇ ਇਹ ਬਤਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਕਿਆ ਖਾਇਆ ਥਾ, आपको प्रॉब्लम्स क्या है, वातपित कफ तो नहीं बढ़ा हुआ आपका, और कई तो ये भी बता देते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम कितनी पुरानी है। सब्जी सब एक जैसा ही दिखता है, बताइए क्या लूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सही बात है, आधे घंटे में बस धनिया ले पाया हूं बस। ये पुदीना है, ये पालक है भाई सर, समझ नहीं आता है क्या तुम लोगों हमारे कॉलेज का भी बिल्कुल ऐसा ही हाल था, और हम तो थे ही थे, हमारे टीचर्स भी लेजेंड थे, अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। वैसे एक अनपॉपुलर ओपिनियन, तो ये बात बिल्कुल सच है, और अगर आपको पता है ये ब्यूटीफुल लेडीज वीडियो में कर क्या रही हैं, तो कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मुझे सीरियसली नहीं पता। यार डॉक्टर्स ने ऐसे बदनाम किया, मेरी राइटिंग इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ कुछ की होती है, और उसका रीज़न भी होता है, अगर आप जानना चाहते हो कमेंट्स में बताना, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अरे बेचारी इस रिफ्लेक्स को गैग रिफ्लेक्स बोला जाता है, या फिर फेरेंजियल रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। ये एक तरीके की मस्कुलर कंट्रैक्शन होती है, सो दैट आप चोक ना कर जाएं। और एक और फन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपने अंगूठे को ऐसे कर लोगे ना, तो आपको थोड़ी देर के लिए गैग रिफ्लेक्स नहीं होगा। पता नहीं ये बता के मैंने ठीक किया है या गलत, चलो अगली वीडियो देखते हैं। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, मेरे दोस्त आएंगे ना मारेंगे मुझे। I like sexes from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong. I do what they say I can't. They call me body, body, baby, body, spicy, mommy, hot tamale, hotter than a Somali. Bird, go, Ferrari, hop up the stoop, jump in the coupe, pick up on top of the roof, testing on bitches as hard as I can. ऑर्थो वालों का ना सबसे खतरनाक सपना है ये आंटी, और डांस चेक करो यार दादी का, क्या बात है। गाजर खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। सही में? और क्या, कभी खरगोश को देखा चश्मा लगाते हुए? एनिमल किंगडम का एक मेंबर है, ऑरिक्टोलैगस कॉर्निकुलस। उसके चेहरे पर आपको कभी पावर्ड स्पेक्टिकल्स नहीं दिखेंगे। क्यों? Wow. क्योंकि उसकी प्राइमरी डाइट में एक एंशिएंट वाइल्ड रूट है, डैकस कैरोटा। बनीज अपने दो आगे के दांत यूज करते हैं, अपने हाँ
सो के प्रोसेस से बीटा कैरोटीन लॉसलेसली ऑप्टिक नर्व में जाता है और सेरेब्रल इमेज प्रोजेक्शन को एनहांस कर देता है एंड दस सेविंग 5 to 6 grand एवरी ईयर विच द रैबिट कैन री इन्वेस्ट बाइंग मोर कैरेट्स. ये चीज ना हम भी करते हैं, बताना तो नहीं चाहिए, पर मान लो कि पेशेंट आया मेरे पास, सर आपको गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है, आपको अपना सिट्रस और कैलोरी डेंस फूड हटाना पड़ेगा. भाई गैस है, खट्टा ताला बंद कर दे यार. यार ये कैंसर डिपार्टमेंट को करक रोग विभाग कहते हैं क्योंकि कैंसर करक एक रोग है, राइट? गायनेक डिपार्टमेंट को स्त्री रोग विभाग क्यों कहते हैं? जैसे स्त्री कोई रोग है. नो कमेंट्स भाई, 60% ऑडियंस मेरी फीमेल है और मैं कुछ नहीं बोलूंगा. आई सपोर्ट यू गर्ल्स, लाइक दबाओ. टिप्स फ्रॉम द ईआर, क्यू टिप्स. वार्निंग, डू नॉट इंसर्ट स्वाब इनटू ईयर कैनाल, एंटरिंग द ईयर कैनाल कुड कॉज इंजरी. वाओ, राइट ऑन द बॉक्स, लेट्स टर्न इट अराउंड फॉर अ वैरायटी ऑफ यूसेस. अराउंड द आई, दैट कट ऑन योर फिंगर, योर डिस्गस्टिंग टोज, और योर इलेक्ट्रॉनिक्स. Nowhere on this box do you see your ear. That's because you shouldn't be sticking Q-tips into your ear to clean out earwax. You wouldn't stick a giant Q-tip up your butt to clean the poop off the inner linings of your colon. You'd wait for the poop to come out and wipe the surface. Much the same way you should be doing with your ear. कुछ सलाह जितनी मर्जी दे दो लोगों को, सुधरना इन्होंने फिर नहीं है. ये वीडियो ना स्पेशली कुछ पेरेंट्स के लिए भी है. क्या करते हैं लोग बच्चों के कान साफ करने के लिए ना, कॉटन बड कान में डालना शुरू कर देते हैं. कॉटन बड है, इसका नाम एयरबड नहीं है, लोगों ने एयरबड लगा दिया उसका नाम. गूगल करके देख लो, एयरबड सर्च करो, कुछ और ही आएगा. वेल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंटल वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, सो दैट हम आगे भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकें. बाकी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. नमस्कार.